सुमित कैसा है टेस्ट? एकदम बढ़िया। ये प्लेट किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। रोड साइड रेस्टोरेंट है ये हमारा। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आप लोग को स्वागत करता हूँ लाइफ टू एक्सप्लोर में। आखिर वो दिन आ ही गया, 3 महीने के बाद हम मनाली से निकल रहे हैं। हाँ, हम वापस नहीं जा रहे हैं बेंगलोर, हम जा रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा भी इधर से 2200 से 2300 किलोमीटर है, तो हमको वैसे 4-5 दिन तो लगेगा ही लगेगा। 4 स्टॉप लेंगे, 4 नाइट। आगरा रुकेंगे, आगरा में ताजमहल देखने का प्लान है। उसके बाद वो झांसी, जबलपुर, रायपुर, वो रूट से हम उड़ीसा जाएंगे। और हमारे साथ सुमित, रश्मि भी जा रहे हैं, वो लोग बेंगलोर जाएंगे। तो शायद सागर और वैसा कुछ लोकेशन से डाइवर्सन होगा, हम मतलब टूवर्ड्स उड़ीसा चले जाएंगे और वो बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे। तो लंबा ट्रिप, सुबह का टाइम हो रहा है 4 और टेम्परेचर है 7 डिग्री, तो पूरा मतलब पूरा लॉन्ग रोड ट्रिप का शुरुआत। एक के बाद एक ब्लॉग आएगा आपको, शायद पता नहीं 3 या 4 ब्लॉग हो सकता है। तो चलिए फिर निकलते हैं। रेडी आयुष्मान, रेडी हैं? ये देखो पूरा बूंद बन गया आयुष्मान। इतना नहा के, सुबह सुबह नहा के रेडी होके, थोड़ा ठंड में प्रॉब्लम है, वैसे गर्म पानी नहाया फिर भी। नहाने के बाद तो ठंड लगता है ना। चलो जी चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग चंद्र जी, बताओ सुबह सुबह 4 बजे चाय वाय नहीं बना के लेके आ गए? बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद चंद्र जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो चाय बना के लेके आए ना सुबह सुबह? ओके अंकल, बाय बाय, मिलेंगे फिर से, आएंगे तो मनाली होपफुली नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल आएंगे अगर बर्फ में। चलो हाँ, ठीक है। 3 बजे हम उठे 4 बजे निकलने के लिए, लेकिन निकलते निकलते 5 बज ही गया। मेन सुबह सुबह क्यों निकलते हैं इतना अर्ली, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर कर सके ना उतना अच्छा है। तो मतलब मॉर्निंग होने से पहले ट्रैफिक वाफिक कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसलिए ही जल्दी निकलते हैं। एनीवे चलो, बहुत लंबा ट्रिप है, देखेंगे पहले किधर एक ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट देखेंगे, अगर हो सके तो बना देंगे हमारा कैंपर वैन में ही, नहीं तो देखेंगे सिचुएशन के बेस पे। चलो फिलहाल निकलते हैं। बाय बाय मनाली, बाय बाय मनाली। अच्छी डिस्टेंस कवर कर लिया यार हमने, मतलब सुबह होने से पहले लगभग मंडी पहुंचने वाले हैं हम लोग। 15 किलोमीटर और है, 100 के ऊपर आगे से। और आज का जो पड़ाव रहेगा दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली के अंदर तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, हाईवे के आसपास ही देखें एक होटल, उधर ही रुक जाएंगे, नहीं तो एक बार दिल्ली के अंदर घुसे फिर तो हो गया काम। अभी दिल्ली का माहौल भी ठीक नहीं है, पूरा पॉल्यूटेड है। अच्छा है, रोड तो वैसे काम चल रहा है ना पूरा मंडी तक, फिर भी 100 किलोमीटर कवर करना अच्छा है, अच्छा डिस्टेंस है ये। पूरा घाट का रोड था ना, घाट का रोड और रास्ता भी खराब। चलो अभी सीधा ब्रेकफास्ट में रुकाते हैं। और अभी टाइम कितना, अभी 7 बज रहा है, 7 बज रहा है, तो 8 बजे के बाद किधर देख के रुकाएंगे। आयुष्मान सो गया, दिख रहा है क्या? उठ गया, ए उठ गया आयुष्मान, आयुष्मान उठ गया। आयुष्मान अभी बैठ, देख रास्ता, देख कहाँ गया रास्ता।
10 बज गया और हम लोग 200 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया। बिलासपुर भी क्रॉस हो गया। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके, बना ही लेंगे यार ब्रेकफास्ट, होगा तो लंच बाहर कर लेंगे, ब्रेकफास्ट बना ही लेते हैं। बढ़िया सा जगह है, एक घाट एरिया है पूरा, काफ़ी सीनिक लोकेशन है। चलो प्रिपेयर करते हैं, सूजी बना लेंगे, उपमा उपमा बना लेंगे। अच्छा वाला रोड कब मिलेगा? अच्छा वाला रोड और 40 किलोमीटर वो जो कुछ फोर लेन हाईवे ना, हाँ 41 किलोमीटर यहाँ से उतरेंगे बिलासपुर से। अच्छा फिर आएगा वो पंजाब बॉर्डर। अच्छा अच्छा उसके बाद वो आएगा। हम आने के टाइम पे वही मिस कर दिए थे, पिंजोर विंजोर कहाँ से तो घूम फिर के आए, फिर और लेट हो गए। वो रूप रूपनगर। हाँ 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 बढ़िया है। और थोड़ा ही टाइम के बाद ये पहाड़ी तो चली जाएगी, फिर प्लेन आ जाएगी, पूरा रास्ता एकदम हाईवे, पहाड़ को पूरा बाय बाय कर देंगे। बाय बाय देवभूमि हिमाचल, बाय बाय देवभूमि करने के लिए थोड़ा टाइम और है, 40-50 किलोमीटर के बाद देवभूमि को बाय बाय कर देंगे। हर हर महादेव करके भी चले जाएंगे। चलो ये ना बेनिफिट हो जाते हैं, मतलब गाड़ी को भी रेस्ट, हमको भी रेस्ट, तब तक बना भी लेंगे थोड़ा। आज मल्टीपल्स है, सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया थोड़ा, मतलब आयुष्मान से शुरू। अपना अपना, हाँ अपना अपना आयुष्मान शुरू कर दिया फिर सब लोगों ने। नहीं बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है ना। आयुष्मान वेट कर रहा है, उसका ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। ऐसे हो गया कितना क्लास? दो हो गया ना, शुरू हो गया और दो क्लास कंप्लीट भी हो गया। इसमें कौन गोवा घी, देसी वाला घी थोड़ा अच्छा लगता। अच्छा है। वैसे नहीं नहीं वैसे ऑलिव ऑयल, अच्छा ऑलिव ऑयल ही बना दिया, जो अवेलेबल है उसमें मैं कर देना है ना, मतलब ऑलिव ऑयल के और देसी घी कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं काट लेना, आज सब जगह बढ़िया। नहीं 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 बना ठीक ठाक गुड। मैगी 10 मिनट लगता है, ये 15 मिनट लगा और गया। चलो ब्रेकफास्ट हो गया, अभी सीधा लंच में रुकाएंगे। टाइम हो रहा है 11 o'clock, 12-1-2 बजे के बाद ही रुकाएंगे, होगा तो बाहर ही कर देंगे लंच। आयुष्मान का भी अभी क्लास खत्म हो जाएगा। ऑल सेट ओके चलो। पहाड़ खत्म हो गई, प्लेन में आ गए हम। जब एंट्री
हो गया ना, पंजाब एंट्री हो गया। हाँ पंजाब एंट्री 250 किलोमीटर के आसपास आगे लगता है, 250 किलोमीटर के आसपास आगे। पहाड़ खत्म हो गए तो क्या हो गया, हिमालय वाला फिर से साउथ इंडिया वाला जो वेस्टर्न घाट वाला पहाड़ ढूंढ लेंगे फिर से। पहाड़ में तो जाना ही जाना है। अभी जो ओडिशा ट्रिप में आपको दिखने मिलेगा बीच भी देखने को मिलेगा, जाएंगे तो कि हम के घर के आसपास ही है ना बीच, तो उधर तो जाना बनता ही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयुष्मान तो पहले बोलेगा पापा बीच में चलो, बीच में चलो गोपालपुर। मुझे लगता है कि 7 बजे पहुंच जाएंगे शायद। हाँ जीपीएस तो वैसे कुछ 6 बजे 5:30 बजे दिखा रहा है, 5 को दिखा रहा है। लॉन्च करेंगे ना, लॉन्च करेंगे थोड़ा टाइम जाएगा तो 1 घंटा चला जाएगा। करेक्ट 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 6:30 7 बजे। हाँ अभी वैसे डिस्टेंस कवर हो जाएगा, अभी तो प्लेन रोड है लेकिन चलेगा यार, पहाड़ वाला रोड ही अच्छा लगता है। घुमावदार है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन सीनिक है। ये वाला रोड तो मतलब ऐसे ही है कि सिटी वाला प्लेन रोड, बस रास्ता ना अपना है बस। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं रहता नहीं है। ठीक है चलो लंच पे मिलते हैं सीधा। लंच ब्रेक कहाँ कहाँ घूम घूम के आए, क्योंकि रोड ब्लॉक था यार। वो जो मेन रोड नेशनल हाईवे कौन सा वाला, रूपनगर वाला जो हाईवे कुछ तो चल रहा था, कौन सा वाला हाईवे था वो? हाँ नेशनल हाईवे 205 पता नहीं, वो शायद वो फार्मर पोस्टिंग जो फार्मर का ये रहता ना, हाँ स्ट्राइक शायद उसका रहेगा। हाँ तो उसके चक्कर में हम घूम फिर के आए थोड़ा, और वैसे हमको मस्त सा लोकेशन मिल गया तो सोचे खाना बना के ही खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सोच रहे थे कि टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर चिकन दिखा तो चिकन लेके आ गए पूरा, मतलब मिक्स बिरयानी। टाइम है ना तो आराम से। हाँ आराम से, और हमारा तो दिल्ली हॉल्ट है ना, और दूर तो जाना नहीं है, तो 7 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, 7 या 8 है मैक्सिमम, तो बना के ही खाएंगे। हाँ कुछ ना कुछ उसको टाइम पास चाहिए रहता है एक्चुअली, आप कट करने के लिए दो नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो धूल मिट्टी में शुरू हो जाएगा वो। क्या आयुष्मान, आयुष्मान आज वैसे सोया नहीं ज़्यादा गाड़ी में, सिर्फ आने के टाइम पे। हाँ क्लास चल रहा था ना। हाँ राइट यार, उसका एक के बाद एक क्लास चल रहा था, कहाँ सोएगा, सिर्फ सुबह सुबह सोया था। और एक को शाबाशी नहीं मिलेगा क्योंकि सेफ इधर मल्टीपल है, सब लोग को कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं सब लोग, नॉट पैर, हाँ हाथ मार रहे हैं सब, इंक्लूडिंग आयुष्मान वो भी हाथ मार रहा है थोड़ा। सबसे आसान तरीका बनाने के लिए चिकन राइस सब एक साथ मिला के सिट्टी, कुस्का बिरयानी, कुस्का बिरयानी। हाँ जो भी नाम दो, नाम देने में क्या होता है, चिकन पलाव, चिकन पलाव। हाँ ये बिरयानी का नहीं पलाव का नहीं, मिक्स है। ठीक है बीच बीच में मतलब ब्रेक भी हो जाता है आराम से, गाड़ी को भी रेस्ट, गाड़ी को भी रेस्ट, हमको भी रेस्ट, हमको भी रेस्ट, चलाने वाले ड्राइवर को भी थोड़ा रेस्ट। नहीं क्योंकि बोलते ना नहीं खाना बनाने में ये मतलब जिसको इसको लगता है खाना बनाना टेंशन, उनको तो ऑब्वियसली बोर लगेगा, टेंशन हो जाए खाना बनाने, मतलब जो किचन देखे जाओ, अभी होटल में जाने ऑर्डर देने तो हाफ आधा घंटे तो 45 मिनट लग जाता है ना, वो ही 45 मिनट में हमारा हो जाएगा और क्या। नहीं 20 मिनट में लेके आ जाते हैं, 45 मिनट नहीं लेकिन फिर भी घर वाला खाना के लिए और 20 मिनट पकड़ लो।
हो गया प्रेशर 15 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा मुझे लगता है। क्या हाल है? पता नहीं। आहा हा, खुशबू, मुंह में पानी आ गया, भूख लग रहा है। ऐसे नॉनवेज देखकर तो पानी आएगा ही आएगा। और इसके साथ मेन हीरो तो ये है, इसके साथ दो चटोरे फ्री। आहा हा, आयुष्मान का स्पेशल सीट इधर। आयुष्मान गर्म है देख के। सुमित कैसा है टेस्ट? एकदम बढ़िया। प्लेट किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। रोड साइड रेस्टोरेंट है ये हमारा। चलो यार और रिकॉर्ड बाद में करेंगे, पहले खा लेते हैं, इतना भूख लग रहा है। चलो जी लंच भी हो गया, अभी पूरा ध्यान रहेगा ड्राइविंग पे। और मुझे लगता है कितना है यार, 4 hours 47 minutes दिखा रहा है, तो पहुँचते पहुँचते 8:30 या 9 बज जाएगा। मिलते हैं सीधा होटल में। 292 चलो चलो निकलते हैं, सीधा होटल में मिलते हैं। Day 1 टारगेट कम्प्लीटेड। एक्चुअली ना हम लोग प्लान कर रहे थे नोएडा किधर रुकने के लिए, क्योंकि आगरा नेक्स्ट डे के लिए इजी रहेगा, लेकिन यार ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त थी रोड में, कम से कम 100-150 किलोमीटर रहेगा राइट, इतना ट्रैफिक, तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब उधर तक नोएडा तक नहीं पहुँच पाए। पानीपत में हम एक होटल मिला तो वो होटल ले लिया, हाईवे के साइड में है। आप अगर मनाली से बेंगलोर भी ट्रैवल कर रहे हो और मनाली से फर्स्ट डे, मतलब मनाली से आए फर्स्ट डे आपको रुकना है, तो ये वाला होटल मुझे तो ठीक ठाक लगा रहा है, होटल देव इन। एक साइड में है, लेकिन ये कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट करके आप आ जाइएगा, क्योंकि इसका गूगल मैप लिंक थोड़ा गड़बड़ है। तो ये लोगों ने गाइड किया, पार्किंग भी सही है, तो लगेज रहता है राइट, उसका सीसीटीवी कैमरा ये सब है। तो ये रूम थोड़ा दिखा देता हूँ, ये फैमिली रूम है और ठीक ठाक है, इवन नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, बहुत ही बढ़िया लगा। एक नाइट के लिए क्या है, सुबह तो उठ के निकलना है ना हमको। हाँ सिर्फ रात को सोना है, रात को सोना है करेक्ट। तो हम सोचे कौन इतना ट्रैफिक में ड्राइव करेगा उधर नोएडा तक, इधर रुक जाएंगे ताकि सुबह उठ के 5-6 बजे उठ के हम वो वाला डिस्टेंस ना आराम से कवर कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, तो कल हम आगरा के लिए निकलेंगे सुबह सुबह 6 बजे। कल आगरा में रहेंगे, ताजमहल भी एक्सप्लोर करना है, वो सारे चीज़ आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।